अरे वो देखो क्या हो गया भाई, भाभी ने कहीं कमरे से निकाल तो नहीं दिया? नहीं नहीं, मैं काम है एक्चुअली। क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? अगर निकाल भी दिया है तो बता तो दो भाई। वो मैं आगे बताता हूँ। देख अगर कोई प्रॉब्लम है तो तू बता। मैं भाई वो दिल नशीन के घर वाले सो जाएंगे। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। औलाद भी कितनी बड़ी आजमाइश है। जब कुदरत को मालूम है कि माँ कितना दर्द महसूस करती है तो फिर औलाद और माँ की सोच में इतना तजाद क्यों रखा? कितने दिन रुलाया मैंने उसे, कितना समझाया कि हैदर ही उसके लिए बिल्कुल ठीक है। मुझे तो यूं लगता था जैसे वो कुएं में छलांग लगाने लगी और मैं धकेल धकेल के उसे दूर कर रही। लेकिन अम्मी, दिलनशी के दिल में एक कसक तो रह गई। हमजा के घर वाले शादी के लिए तैयार हो गए। राजी हो गए थे तो क्या कमाल किया उन्होंने? जो रुसवाई उन्होंने हमें दी हम भुला सकते हैं भला? तो अल्लाह ने पर्दा रख लिया। इतने सालिम, इतने सफाक लोग। सफेद पोश शुरफा के सर से चादरें नोचने वाले ना भाई, ऐसे लोगों के हवाले में अपना जिगर का टुकड़ा नहीं कर सकती। बस दुआ करो अल्लाह दिलनशीन को हिदायत दे कि वो अपने घर को खुशियों से भर दो। परेशान क्यों हो रही है अम्मी? अल्लाह सब बेहतर करेगा। दिलनशीन बच्चों जैसी तबीयत रखती है, मुझे इस बात से डर लगता है कहीं वो अपने शौहर को अब उस लड़के के बारे में कुछ बता ना दे। इस वक्त कौन आए? कौन आ गया? पता नहीं। वालेकुम सलाम। आओ ना अंदर। मैं एक्चुअली वो हैदर बेटा तुम? वो एक्चुअली दिलनशीन। क्या कहा है दिलनशीन ने? अजीब सा लग रहा है मुझे। उसने क्या कहना था? एक्चुअली जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। सुबह पेपर है उसका और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे। बेटा उसे मैंने ही मना किया था। देखो ना, अगर वो शादी के बाद पढ़ाई में लग गई तो फिर घर गृहस्थी कौन देखेगा? बहुत सब मैनेज हो जाता है। मैं उसकी हर इस चीज के साथ बिल्कुल खुश हूं, बल्कि मुझे ज्यादा खुशी होगी कि अगर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे। मैं इसलिए आया था, आज हमारी शादी है, कल सुबह उसका पेपर है, बहुत अपसेट है वो। उसका यूनिफॉर्म और बुक्स वगैरह चाहिए थी मुझे, मिल सकती हैं? अभी लाए। जी थैंक यू। अरे मेहमानों की तरह क्यों खड़े हुए हो? शादी के बाद पहली बार आए हो, कम से कम चाय तो पी के जाओ। नहीं, फिर आएंगे ना, बल्कि आप लोग आइएगा। दिलनशीन के पेपर्स हो जाएं तो फिर उसके बाद हम लोग भी आएंगे। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। ये बुक्स हैं और यूनिफॉर्म? ये। थैंक यू। चलें, इजाजत दें, वो भी बेचारी बहुत थक गई है। ओके। वैसे कितना क्यूट लग रहा है ना, शादी की रात दूल्हा अपनी दुल्हन का यूनिफॉर्म और बुक्स लेने आया है। क्या करूं, है छोटी ना उम्र में तो। चलो
अल्लाह हाफिज़ जी। कैसा हीरे जैसा लड़का है, बस दुआ करो दिलनशीन इसकी कदर करे। मुझे लगता है कि वो समझ जाएगी। सुनो, खुले रहने दो ना। क्या हो तुम? तुम्हें नजरअंदाज करूं, तुम्हारी कोई बात ना मानूं, तब भी तुम्हें बुरा नहीं लगता? क्या कर, मेरे दिल के मेरे इतने करीब हो, तुम कुछ भी कर लो मुझे बुरा नहीं लगता। बस दिल करता है कि इसी तरह बैठ के तुम्हें देखता रहूं। तो पेपर किसका? मेरा है। नहीं मतलब, कौन से सब्जेक्ट का पेपर है कल सुबह? इंग्लिश का। तो मैं काम करो, तुम मेरे साथ आओ। ये स्टडी है मेरी, आराम से बैठ के वहां पढ़ो, डिस्टर्ब नहीं होगी। ये छोड़ता हूं। आफ्टर यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सॉरी थोड़ा मैस हुआ है, कोई आया नहीं लगता यहाँ पे। सो आराम से यहाँ बैठ के तैयारी करो, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और किसी भी किस्म की हेल्प। दिलेशी जी, यहाँ डिस्टर्ब नहीं होगी और कोई मदद चाहिए हो बता देना। Wish you all the best. Thank you. Thank you.
सो आई नीड योर केयर, योर कंपेनियनशिप. इस तरह आशाओं में फेंक के मुझे तन्हा मत छोड़ो उनसे, प्लीज. एक सच्ची बात बताओ मेहनत, यूं तो मुझे हर दूसरी लड़की से प्यार हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे बारे में मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ. कैसा लग रहा? पराये से. कई बरस पहले वो तो तुमने किया था.